आप चंद चंद पैसों के लिए गुलामा बिके हुए और उनकी हैसियत नहीं है, आज निकल के अम्मा बहन के गालियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाओ अपने औरतों को उनके ऊपर डालो। अरे भाई, औरतों को ऊपर डालोगे क्या मतलब है? तुमको अक्ल रहना चाहिए बात करने से पहले। तुम जैसा तुम्हारा माहौल है, जैसी तुम्हारी गंदी सोच है, तुम्हारी जबान है, वो जबान से बोले हैं। मगर खबरदार, जब हम जबान खोलना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। मैं हुकूमत से ये बोलना चाह रहा हूँ, मेन मुद्दा कि आप 10,000 रुपये का चेक देते बोल के डिक्लेयर कर रहे हैं और दिए भी थोड़े, मगर उससे क्या होने वाला है? एक ऑटो वाला है, उसका ऑटो भेगा कि 10,000 में ऑटो आता। आवाम का भी काम है, जो 10,000 रुपये का चेक दे रहे, चेक लेके उनके मुंह पे मारो आप। जहाँ कहीं भी सियासी बोल के नहीं है, इंसानियत का काम है ये। कोई इलेक्शन का पीरियड नहीं है, ना इलेक्शन है, ना वोट मांगने आ रहे कोई भी। वहाँ पर जा रहे हैं कुछ लोग, उसके लिए रुकावट कर रहे हैं हर हलके में। भाई रुकावट कहीं कर रहे हैं आप? एक मुसलमान ही तो परेशान हुआ है और बांटने भी मुसलमान ही आ रहा और रोक रहा भी मुसलमान ही। खुशामदीद नाज़रीन, कांग्रेस लीडर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा ने हल्के असेंबली मलकपेट में कांग्रेस के लीडर्स को इमदाद तकसीम करने से रोकने के वाक़े की मजम्मत करते हुए अपना एक बयान जारी किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज मीडिया के नुमाइंदे से बात करके ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो हाल ही दिनों में जो बारिश हो रही है मुसलसिल होने की वजह से हमारे तेलंगाना में और शहर हैदराबाद में, खासतौर ओल्ड सिटी में जो नुकसान हुए हैं, कई लोग पानी में बह गए, अभी तक कितने फौत हुए अभी नहीं मालूम, कोई डेड बॉडियाँ निकल रहे हैं और कई घर और घरों का सामान डॉक्यूमेंट हर वो चीज़ से वो लोग महरूम हो गए हैं। या अलजुबैर कॉलोनी हो, गाजी मिल्लत हो, या उस्मान नगर हो, या और भी बहुत सारे एरिए सिटी में भी। मगर हुकूमत का काम होता कि आप यहाँ पर आके दौरा करना, केसीआर साहब इलेक्शन कैंपिंग में जाने आ रहा, ओल्ड सिटी का दौरा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा को भिजा दिए, उन्होंने आए आके पानी में देख लिए चले गए। तो वैसा नहीं होता, क्योंकि जब वोट मांगने आप मांगे तो मुसलमानों के वोटों से ही आप सीट पे आप मौजूद है और कई लोग उनकी तायद भी करे हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका काम बनता कि आप गली गली जहाँ जहाँ मुतासिर इलाके है, जैसा कि उस्मान नगर है या गाजी मिल्लत है, बाबा नगर है, और भी बस्तियों में आप लाकर वहाँ पर दौरा कराना। और जितने भी हमारे तंजीम जो बांट रहे हैं, सियासी जमात से वावस्ता हो या दूसरे हमारे एन जी ओ वाले हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। अल्लाह उनको सेहत दे, और जो गरीब को ला के दे रहे हैं गैब से, ना कोई फ़ोटो ले रहे हैं, ना कोई मीडिया में है, कई लोग ला के दे रहे हैं नौजवान बच्चे, मगर कुछ लोग मशराबाद से भी आके बांटे हैं हमारे लोग, कुछ लोग बहुत सारे हमारे नाहिदा खातून बोल के हैं उन्होंने भी बांट रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और क्योंकि कोई सियासी जमात बढ़ चढ़ के काम नहीं कर रही, कर रही मगर जहाँ करना है वहाँ नहीं कर रही, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा शहर है कि पहले कहीं भी अगर मुसीबत है तो हैदराबाद शहर वाले पहले मदद करते हैं, मगर आज हैदराबाद पे ऐसा कोई आया तो आप अपने लोग नहीं उठा रहे हैं आवाज़। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए आप लोग, और मैं हुकूमत से ये बोलना चाह रहा हूँ मेन मुद्दा कि आप 10,000 रुपये का चेक देते बोल के डिक्लेयर कर रहे हैं और दिए भी थोड़े, मगर उससे क्या होने वाला है? एक ऑटो वाला है, उसका ऑटो भेगा कि 10,000 में ऑटो आता, उसका सामान भेगा, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो आपके सामने सब चीज़ें बताना क्या? मेरा मुतालिबा है केसीआर साहब से कि आप जो टोटली जो घर तबाह हो गया उनको 5,00,000 रुपये देना आप, और जो जो थोड़ा मुतासिर हुए उनको 3,00,000 रुपये देना, और जो और थोड़ा है उनको 1,00,000 रुपये कम से कम देना, 10,000 नहीं। हमारा मुतालिबा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आवाम का भी काम है, जो 10,000 रुपये का चेक दे रहे हैं चेक लेके उनके मुंह पे मारो आप। चेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10,000 रुपये का चेक लेके आप खुश हो रहे हैं? अरे 10,000 में क्या होता भाई, 10,000 रुपये मत लो आप, क्योंकि केसीआर गवर्नमेंट को इख्तदार पे लाने वाले आप लोग हैं, और केसीआर साहब वो जो सेक्रेट का काम चल रहा है उसको रोकिए पहले, मुतासिरों को उनको पहले आप इमदाद पहुँचाइए, क्योंकि आपके ने बहुत है। अब परसों हमारे तेलुगु फिल्म स्टार कई आपके
हुकूमत के फंड में पैसा डाले है, फिर वो कहाँ गया? लाइए, ला कर निकाल के बैठिए आप लोग। लॉकडाउन के टाइम में भी साथ नहीं दिया आप। कई गरीब लोग तबाह हो गए, परेशान हुए, एनजीओस वाले आके राशन किटा हुए बांटे हैं, कई लोग बांटे हैं, मगर आपका तो कोई पता नहीं था। लाइट के बिल लिए, शराब की दुकान खोले, बहुत सारे चीज़ें करे, कहीं को आपको शराब की दुकान पे कमीशन है बोल के। तो मैं भरपूर इसकी मजम्मत करता हूँ कि 10,000 रुपये आप लोग मत लीजिए। और कई लोग पानी में आज भी गाजी मिल्लत में एक डेड बॉडी लेडीज़ की भय के आई बोलो तो वहाँ पे एक लेडीज़ मीडिया में डाले, कोई वहाँ पर बल्दिया का अमला साफ़ करने वाला नहीं है, निकालने वाला नहीं है। आज भी जाके देखिए आप गाजी मिल्लत और अलजुबर कॉलोनी में कहाँ पर जो किचड़ आ गया है, वहाँ पर आजू बाजू वाले बस्ती वाले कर रहे हैं और जो डेड बॉडियाँ निकल रहे हैं बस्ती के लोग वो लोग निकाल रहे हैं, मगर बल्दिया का कोई अमला नहीं है। तो मैं पहले तो आप वो इलाकों को साफ़ कराना, साफ़ कराने के बाद किसका क्या नुकसान हुआ, डोर टू डोर जाइए, आप जाकर जायज़ा लीजिए, हक बे जानिब जो मुआवजा है वो मुआवजा दीजिए आप। ऐसा नहीं कि इनका नुकसान हुआ देने का नहीं, आप हक बे जानिब करिए। और मैं ख़ास बात ये बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी सियासी बोल के नहीं है, इंसानियत का काम है ये, कोई इलेक्शन का पीरियड नहीं है, ना इलेक्शन है ना वोट मांगने आ रहे, कोई भी वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ लोग उसके लिए रुकावट कर रहे हैं हर हलके में। भाई रुकावट कहीं कर रहे हैं आप? एक मुसलमानी तो परेशान हुआ है और बांटने भी मुसलमानी आ रहा और रोक रहा भी मुसलमानी, तो भाई ये क्यों दो नज़रियापना? आप चंद चंद पैसों के लिए गुलामा बिके हुए और उनकी हैसियत नहीं है, आज निकल के अम्मा बहन के गालियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाओ अपने औरतों को उनके ऊपर डालो। अरे भाई औरतों को ऊपर डालो का क्या मतलब है? तुमको अक्ल रहना चाहिए बात करने से पहले। तुम जैसा तुम्हारा माहौल है, जैसी तुम्हारी गंदी सोच है, तुम्हारी ज़बान है, वो ज़बान से बोले हैं, मगर खबरदार जब हम ज़बान खोलना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस मौके पे मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। मगर हम किसी के बोलने का मतलब, किसी जो ज़बान जो बदकलामी कर रहा है जाहिल, हम उसके मुँह को नहीं लगना चाह रहे। हम और हमारे साथियाँ और हमारे क़ायद हम वापस चले गए, चाहते तो उसका जवाब भरपूर हम दे सकते थे, मगर हमारे को ज़रूरत नहीं है। अरे बेवकूफ आदमी, अकल रहना चाहिए, बांट रहे किसी को इसलिए कि वहाँ पर कुछ लोग थे, उनको थोड़ा राशन और थोड़े शाल और माली इमदाद कुछ मदद करेंगे बोल के? कोई इलेक्शन नहीं है वहाँ पर, निकल के गाली गलौज ये वो डालो औरतों को आंग पे, क्या है? अम्मा बहन औरतें ये क्या है? तुम्हारे पेट में भी अम्मा है, बहन है, बीवी है, माँ है, सब है, ये गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और उनके ज़िम्मेदारों को ये आप बुलाओ, बुला के सख्ती करो, सख्ती करके ऐसे लोगों को बाइकॉट करो, क्योंकि ये लोग नाम ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोग पार्टी में नहीं रहना चाहिए। और हम जब वहाँ से गली से उतर कर हम चंद्रघाट PS तक नहीं आए, आने के बावजूद भी हमारे पीछे कई लोग आ गए, पुलिस वहाँ की चंद्रघाट की हमारे कॉपरेट की लाठीचार्ज करने के बावजूद भी आकर बदतमीजी करके गाली गलौज कर रहे हैं। अरे भाई गाली गलौज क्यों करते आप? कौन सा गलत काम करने आए थे? और भी लोग आ रहे, रोको फिर दम है तो उनको, उनको रोकने नहीं आ रहा, खाली दूसरों के पीछे पड़े हुए। मत करिए ऐसा, अच्छी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि आप अलीम मियाँ जो आप शुरू से आज तक आप क्या है, आपके कारोबार क्या है, आप क्या करते हैं, सब अल्लाह का करम हमको मालूम है। मैं भी ओल्ड सिटी का हूँ, इंशाल्लाह मत करिए ऐसा, अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप ये करने से जन्नत में नहीं चले जाते। किसी के वास्ते अगर लड़ रहे हैं तो जन्नत में नहीं आते। अपना खबर का अजाब अपने को देना है, अपने को अपनिश करना है, कोई ऐसा आपको वो नहीं है। लिए लिहाजा बदकलामी मत सोचिए और इंशाल्लाह सोच समझ के बात करिए। और भी जो हलके है, हर हलके में वहाँ पर जो भी जा रहे हैं वहाँ पर आप भूतकार का शिकार बनकर रोक रहे हैं, तो क्यों भाई? पब्लिक है, पब्लिक नहीं भेजा रहे, नको जाओ बोल रही, पब्लिक कुछ भी नहीं बोल रही। कुछ चंद गुलामा, चंद बिके हुए लोग, मुनाफिक वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो मत करिए। मैं मीडिया के ज़रिए से यही बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को कोई सियासी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। गरीब आवाम बहुत परेशान है हैदराबाद में, लोगों को मदद करने दीजिए और उनको उनका हक लेने दीजिए। मत करिए ऐसा आप लोग, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखा देंगे आपको। और जो भी एनजीओ है उन्होंने, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे जाहिलों का बैगाट करिए वरना आप लोगों का नाम ख़राब होगा, मत करिए।
और इंशाल्लाह हमारे भी मुंह में जबान है, हम भी जवाब देना सकते हैं, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर ऐसे जलीलों के मुंह को लग के हम हमारी जबान ख़राब नहीं करना चाह रहे। वक्त जब आएगा तो इंशाल्लाह बता देंगे, मगर अच्छी चीज़ नहीं है, इसका फौरी बैगाट करिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और भी दूसरे भी लोग हैं उसके लिए आवाज़ उठाइए, आप लोग उठाकर आप लोग खामोश कीजिए इसको। अस्सलाम वालेकुम।